चार पांच, अगर वो बाहर निकला खांसी करनी शुरू कर दी उसने, सांस चलोगी बढ़िया, नहीं हुई तो फिर से 1 2 3 4 5 और फिर से इधर 1 2 3 4 5 तब तक करना जब तक वो बाहर निकल नहीं जाए, ठीक है। अगर वो बंदा बहुत मोटा है या प्रेग्नेंट औरत है तो फिर हम लोअर एब्डोमेन में नहीं करेंगे, इसके नीचे करेंगे। ये बोन नहीं टूटे, जो ट्राइबल बोन होता है इसके नीचे करना है। अगर वो बंदा बहुत ज्यादा ओबेस है या फिर प्रेग्नेंट औरत है तो यहाँ पे करना, ठीक है। अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो वो तो लेट है कि अनकॉन्शियस होंगे तो एबीसी की आपने देखा, एयरवे चेक किया, ब्रीदिंग चेक किया और हार्ट रेट चेक किया। नॉइजी ब्रीदिंग आ रही है, हार्ट रेट चल रहा है, मतलब चोकिंग चल रहा है ना, कि नॉइजी ब्रीदिंग आ रही है और अनकॉन्शियस हो गई तो फिर आप सीपीआर दो। एक और काम कर सकते हो, लेट जाओ, एक और काम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लेटे हुए हैं, इनको लेटा दिया, आप चाहे तो इनको ऐसे स्ट्रैडल कर सकते हो, तभी तो आदमी बेहोश है, स्ट्रैडल करोगे तो ज्यादा अच्छा है और यहाँ से ऐसा बेहोश, ताकि यहाँ से प्रेशर से बाहर निकल जाए, या तो सीपीआर दो तो निकल जाएगा अगर हार्ट रुका हुआ तो। हार्ट की हाँ, हार्ट वाला जो था ना ये जैसे पानी चले जाता है वो बॉडी में उस समय गिरता है। हाँ उस समय गिरता है, वैसे पानी जब जाता है ना तो वो लंग्स में नहीं जाता है, वो पेट में जाता है, इसके लिए वो हो चुका है। हाँ क्या बोला जो आपने बताया सब सीपीआर, ये सीपीआर सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन, कार्डियो मतलब हार्ट। ये अगर वो चोकिंग हो रहा है और अनकॉन्शियस हो गया तो आप कैसे उसको पूरा वजन संभाल के कैसे करोगे, कैसे फटका मारोगे, आप फटका मारोगे तो गिर जाएगा, जो पूरा वजन सांस और हार्ट दोनों चलेंगे, सांस और हार्ट दोनों चलेंगे, सीपीआर हार्ट या तो सांस पूरा रुक चुका होगा, जो सीपीआर कर रहा हो तो हार्ट के लिए तो क्या है चोकिंग है, तो पेट पे करते हैं ऐसे यहाँ से ऊपर कर सकते। अगर आप कभी चोक कर दिया, वो रेस्टोरेंट से बहुत कॉमन होता है ये चीज़, ये आपको रेस्टोरेंट में अक्सर मिलेगा कि बात करते करते खा रहे हैं दोस्तों को और एक जन का चोक हो गया। अच्छा अगर आपका होगा आप अकेले तो क्या करोगे, ये तो कर सकते हैं नहीं नहीं कर पाए, इतना ताकत नहीं लगा पाएंगे कि बाहर निकले, उसमें आपको अपने कोई है नहीं, आप कैसे बोलोगे भाई क्या करना है, आपको तो आवाज़ ही निकलती, दीवार से ज़्यादा कुर्सी से, कुर्सी से ज़्यादा कुर्सी या जैसे टेबल हो गया, ठीक है। आपको अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करना, तो क्या करना है आपने, ये किया ये किया, फिर मजबूत कुर्सी के ऊपर आप लेट गए और फिर आप ये, तो जब आप नीचे जाओगे तो आपके वजन से आप नीचे जाओगे तो क्योंकि मजबूत है, ऐसा ये होता है गिर जाएगा, जैसे आपको टेबल पे ले लीजिए, ले लिया आपने, प्लेटफॉर्म पे कर दिया आपने, तो ऐसा कर दिया, ऐसे ले जाने मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। समझ गया आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स। एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारे पास एक फर्स्ट एड किट है, ठीक है, इसमें मोर और लेस सारी चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं है इसके अंदर, और इसमें पूरा लिखा हुआ है कि किसमें क्या करना है, अगर किसी को कट गया या कुछ ये है वो है, आप इसमें खोल के, यहाँ पे पूरा ये भी लिखा है कि कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है, कभी मैन्युफैक्चरिंग डेट का कितना है वो चीज़, और कभी एक्सपायर होने वाला, एक्सपायर जब भी हो जाएगा तो नया लेके आना, ठीक है। और जैसे आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये दो है, ठीक है, एक इस्तेमाल हो गया तो खरीद के लेके आना, ठीक है, ये जैसे 12 है, 12 में से एक इस्तेमाल हो गया तो एक खरीद के लेके आना, ताकि हमेशा स्टॉक बना रहे, और कौन सी चीज़ में क्या इस्तेमाल करना है वो भी इसमें लिखा होगा। दूसरे वाले पर्चे बर्न से कुछ जल गया, कुछ चोट लगे, कट हो गया, या स्किन कहीं पे छिल गई है तो कौन सी वाली दवाई लगानी, ठीक है, सर हेडेक हो रहा है या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया कहीं पे तो कौन सी दवाई लेनी, दर्द हो रहा है तो कौन सी दवाई लेनी है, स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या लेना है, इंजरी है तो क्या लेना है, हार्ट अटैक है तो क्या लेना है, ये सब इसमें लिखा हुआ, जो भी इसमें है उसके बारे में लिखा हुआ, ये हमेशा ये फाइल कैबिनेट के ऊपर ये पूरा इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। सर कभी किसी भी क्लाइंट्स को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है एम्बुलेंस, हाँ, तो उसके साथ ट्रेनर को जाना होगा, एक ट्रेनर को जाना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो क्लाइंट हमारे जिम में है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका वेलबींग हमारे साथ, वही कह रहा था कि जैसे अगर आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया तो उसके बाद हॉस्पिटल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, हॉस्पिटल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, उनके फैमिली को इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, जब तक
हॉस्पिटल को आ नहीं जाता। हाँ, जब तक तो उनके फैमिली को आ नहीं जाता तब तक अपने उधर रहना ही रहना है किसी एक जगह। चाहे आप तभी अकेले ट्रेनर बाकी क्लाइंट्स को बोलो सर इधर मुझे जाना पड़ेगा इनको लेके, सॉरी। अगर आप अकेले, वैसे तो होगा नहीं, मेरा प्लान रहता है कि एक टाइम पे दो ट्रेनर हो ही कम से कम, हम लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है। पर फिर भी अगर ऐसा होगा कि वो ट्रेनर छुट्टी पे लेट हो गया कुछ ऐसी चीज़ें, क्लाइंट्स को बोलो सर सॉरी मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, सीधा मुझे फ़ोन आना चाहिए एंड सॉरी। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो बस एमरजेंसी SMS करो, और क्लाइंट से बोलते सॉरी हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी है एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस से फ़ोन करना, एम्बुलेंस को बुलाना इधर, ठीक है, क्योंकि एम्बुलेंस से सारी चीज़ें होती है जो उनको एमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। उनको हॉस्पिटल में लेके जाना है, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना, और जब तक कोई फैमिली से आता नहीं हैंड ओवर जब तक दिया नहीं उनके पेशेंट का फैमिली को, तब तक वहाँ पर रहने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस बीच में ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि पूरा नोट करते रहना हमको चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या हुआ कितना हुआ आपने क्या किया आपने क्या किया आपने क्या किया। जैसे CPR हो गया रिकवरी पोजीशन में आ गया, और CPR चालू किया हार्ट और ब्रीदिंग चालू हो गया रिकवरी पोजीशन में डाल दिया, तो इतना CPR दिया इतना मिनट CPR दिया, उस बाद में रिकवरी पोजीशन में डाला, उस बाद कौन से टाइम पर चेक किया हार्ट चल रहा है ब्रीदिंग सब, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड हो, फिर एम्बुलेंस आ जो भी चीज़ हो रही है हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग हो, ठीक है। सांस चालू हो गई हार्ट रेट चालू हो गया, फिर कौन से सांस टाइम में बंद हुई, फिर से CPR चालू हो गया, इतना CPR दिया इतना कार्डियक मसाज दिया इतना ना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया, और ये पूरा डॉक्टर को दे देना, उससे फिर डॉक्टर को जो करना है डॉक्टर करेगा। हो सकता है उनके कुछ काम का नहीं हो, और हो सकता है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ काम का मिल जाए। और कोई सवाल? अभी मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा बहुत मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड किया हार्डली मेरे पास 1.5 घंटे का होगा, ये महीने में एक बार आप लोग जरूर देखिए रिव्यू करिए, क्योंकि जब भी वो चीज़ सामने जब आती है ना तभी दिमाग नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि हाँ तभी आप रेडी रहो इस चीज़ के लिए। वैसे 3 महीने में मैंने ऑब्जर्व किया है।